ले लो ड्रिफ्ट, एक ऐसा क्यूब है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है एंड इस क्यूब को आप आसानी से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर कटिंग की एक प्रॉब्लम इससे अगर हटा दी जाए तो एक क्यूब मिलोंग को एंड दूसरे MFJS के दूसरे क्यूब्स को बड़ी आसानी से टक्कर दे सकता है। क्वालिटी वाइज एंड परफॉर्मेंस में एक क्यूब बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट एक साल के बाद आज मैं इस क्यूब को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। एक साल से मैंने इसको ना लुब्रिकेट किया ना टेंशन किया, तो आज देखते हैं हम इसको कितने, इसके परफॉर्मेंस को किस हद तक हम एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, इस बार अगर आप कोई क्यूब खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो क्यूब मत खरीदिए, बल्कि सिलिकॉन ऑयल आप या फिर कोई और लुब्रिकेंट आपके चॉइस का खरीदिए, क्योंकि मेन मैटर है क्यूब को स्मूथ एंड फास्ट एंड क्यूब के ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए लुब्रिकेंट एंड टेंशन मैटर करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर आपको लुब्रिकेशन एंड टेंशन अच्छे से सेट करने आ गया है क्यूब का, तो फिर आप कोई भी क्यूब, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट क्वालिटी के क्यूब को भी आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का बना सकते हैं। एंड मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ये RS नेगी, ये स्टोरियो तो नहीं, RS नेगी एंड ये की वॉरियर पॉप शुगर का, ये दोनों ऐसे क्यूब्स हैं जिनको मैंने ऑलमोस्ट 100 रुपए में खरीदा, बट इन पे बहुत से सब 10 सॉल्व मैंने किए जिसके आप खुद गवाह हैं, ठीक है, आपने खुद देखा। तो ये मैंने किया लुब्रिकेशन एंड टेंशन से, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, बेकार से बेकार क्वालिटी के क्यूब को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको लुब्रिकेशन एंड टेंशन अच्छे से करने आता है। तो नेक्स्ट टाइम सिलिकॉन ऑयल में और एक अच्छे या फिर कोई आपके फेवरेट अच्छे लुब्रिकेंट में इन्वेस्ट करिए, आपका ऑलमोस्ट एक साल चल जाएगा। और एक कुछ लोगों को ये मिथ है कि सब 30 बनने या फिर 30 सेकंड्स के अंदर क्यूब को सॉल्व करने आपको मैग्नेटिक क्यूब की जरूरत है या सब 20 बनने मैग्नेटिक क्यूब की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है भाई। 100 रुपए के क्यूब में भी आप कर सकते हैं, खटारे से खटारे क्यूब में भी आप एक सब 10 सॉल्व कर सकते हैं अगर उसको आपको अच्छे से लुब्रिकेट एंड टेंशन करने आता है। तो चलिए क्यूब ले लो ड्रिफ्ट, बातें बहुत हुई, हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। टेंशन आप देख सकते हैं काफी टाइट है इस क्यूब का, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसको खोला भी नहीं। तो चलिए पूरे मैं सेंटर पीसेस खोलता हूँ। तो सेंटर कैप्स मैंने पूरे खोल दिए एंड इसका टेंशन मैं आज थोड़ा लूज रखूंगा, क्योंकि इसके कॉर्नर कटिंग की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम फिर ना है, इसीलिए टेंशन को मैं आज थोड़ा लूज रखूंगा, ठीक है। अगरचे मैं रोटेशंस थोड़े कंट्रोल करूंगा बट टेंशन मैं लूज रखूंगा। तो चलिए पूरे हम क्यूब को खोल लेते हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब एक स्क्रू को आप कंप्लीटली खोल लेते हैं ना इस तरीके से, तो पूरा फिर आपको इसी तरीके से पकड़ के खोलने की जरूरत नहीं है, बस एक तरफ का भी अगर आपने पूरा खोल दिया तो क्यूब पूरी आसानी से पूरा खुल जाएगा। क्यूब कोर से हटके मैं बात करूं, आप देख सकते हैं पूरा क्यूब मैंने खोल लिया, अब सिर्फ कोर के पीसेस खोलने हैं, मैं जल्दी से खोल लेता हूं। तो भाई क्यूब को मैंने अच्छी तरीके से खोल लिया, आप देख सकते हैं वाइट डस्ट मेरे हाथ पे भी कुछ लगा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं वाइट कलर का डस्ट है एंड मैं यहाँ एक क्लीन क्लॉथ यूज कर रहा हूँ एंड मैं अच्छी तरीके से पूरे पीसेस को, स्प्रिंग्स को, स्क्रूज को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगा, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से करना है। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कच्चे कपड़े से कभी मत करना, कभी भी कच्चे कपड़े से मत करना, अनलेस आपने कोई कोकोनट ऑयल या फिर होम बेस्ड लुब्रिकेंट आपने यूज किया अपने क्यूब में, वैसे केस में आप कच्चा कपड़ा यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल अगर आपने सिलिकॉन ऑयल यूज किया तो आपको एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना चाहिए। तो चलिए मैं पहले पूरा क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। भाई पुर्जा मैंने क्यूब का अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं पीसेस काफी साफ हो गए, चमक रहे एंड जो भी डस्ट था वो भी मैंने क्लीन कर लिया। अब बारी है क्यूब को असेंबल करने की एंड इस बार मैं 17 का टेंशन सेट करूंगा, ठीक है। जैसा पॉप शुगर में आपने देखा 20 का मैंने किया था, मिलोंग में भी 20 का किया था, इस बार मैं जो टेंशन सेट करूंगा वो है 17, क्योंकि क्यूब ले लो ड्रिफ्ट में कॉर्नर कटिंग की प्रॉब्लम है तो हम 17 इसके लिए आइडियल होगा। तो चलिए क्यूब असेंबल करना हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, बहुत आसान है करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिंपली पहले आपको एक स्प्रिंग लेना है, ठीक है, एक स्क्रू को स्प्रिंग के अंदर डालना है इस तरीके से एंड फिर ये कोर के इस पीस में आपको ऐसे एंटर करना है एंड कहीं भी आप कोर में इस थोड़ा सा आपको प्रेस करना है अपने थंब से एंड इस ऐसा डालने के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 बार अपने फिंगर से ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। इनिशियली आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा स्क्रू फिट हो गया, हर तरफ आपको इसी तरीके से पहले करना है। तो भाई मैंने पहले अपने हाथों से ही 3-3 बार अपने उंगलियों से ही एडजस्ट कर दिया है पहले इनिशियली। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आपको ये पार्ट पे लुब्रिकेंट अप्लाई करना, ठीक है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे,
तो अब पहले मैं इनिशियली यहाँ लुब्रिकेट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, आपको बता देता हूँ करना कैसे। आपको आपके दोनों उंगलियों से थोड़ा सा ऐसा हल्के से ऐसा स्ट्रेच करना है एंड इस पार्ट पे एक ड्रॉप ऑफ सिलिकॉन ऑयल आपको अप्लाई करना है। बस आप देख सकते हैं सिलिकॉन ऑयल अप्लाई हो चुका है। अब इस तरीके से आपको पूरे तरफ पूरे छह जगह करना है। मैं करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई पूरे छह तरफ मैंने एक एक ड्रॉप सिलिकॉन ऑयल का अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा आपको इस तरीके से रोटेट करना है ताकि इवनली सिलिकॉन ऑयल स्प्रेड हो जाए हर तरफ। अब यहां मैं स्किप कर सकता था बट ये मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं असेंबल करना बताता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सिलिकॉन ऑयल आपके हाथों पर भी लगा होगा तो थोड़ा स्लिपरी हो गया होगा क्यूब। अब बगैर तोड़े आपको कैसे असेंबल करना है मैं बताता हूँ। पहले व्हाइट ब्लू का एक पीस ले लीजिए एंड रैंडमली ऐसे लगा दीजिए, फिर व्हाइट रेड, फिर आपको नीचे रख देना इस तरीके से, ठीक है, फिर व्हाइट ग्रीन। यहां बहुत केयरफुल्ली आपको करना है ताकि आपकी मेहनत बेकार ना हो, ठीक है, फिर व्हाइट ऑरेंज। अब ये करने के बाद सेकंड स्टेप है आपको कॉर्नर पीसेस असेंबल करना है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको एच पीसेस असेंबल करना है। भाई पूरे प्रोसेस में एक चीज याद रखिए, आपको क्यूब नीचे रख के ही करना है, आपको हाथ में नहीं लेना है क्यूब को, क्यों वरना फिर आप पूरे पीसेस बिखर के नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आपको येलो के एच पीसेस असेंबल करना। तो आपने सीखा, मैंने सिर्फ अपने उंगलियों से तीन बार ट्विस्ट करके इसका टेंशन इनिशियल सेट किया था एंड उसी पे मैं पूरे क्यूब को असेंबल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्यूब बड़े आसानी से असेंबल हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं करना है वरना फिर कॉर्नर पीसेस अंदर डालने के टाइम डैमेज हो सकते। तो ये मैंने कर लिया, अभी भी आपको सेंटर कैप्स नहीं लगाना है। अब हर तरफ में 15-15 टाइम्स टेंशन सेट करूंगा, ठीक है, यहां से रेड से स्टार्ट करूंगा, फिर ऑपोजिट, फिर यहां यहां व्हाइट एंड येलो, ठीक है। मैं 15 बार ट्विस्ट करता हूं, टेंशन सेट करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं। तो भाई थोड़ा सा चेंज है प्लान में, 15 नहीं हम सिर्फ 11 टाइम्स सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने नोटिस किया 11 पे ही क्यूब बहुत हद तक स्टेबल भी है एंड थोड़ा टाइट भी फील हो रहा है एंड जो हमने इनिशियल किया था उसको हम काउंट नहीं कर रहे, उससे हटके सिर्फ 11 टाइम्स काफी होता है, ठीक है। 11 टाइम्स मैंने सेट कर लिया एंड अब हम सेकेंड टाइम लुब्रिकेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम इस बार हम यहाँ लुब्रिकेंट अप्लाई करेंगे एंड थोड़ा सा इधर एच पीसेस पे, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, अब ये वॉल के ऊपर से एच पीस के ऊपर फैल जाएगा एंड सेम हम इस तरीके से डालते हैं ये तरफ। तो देखिए हर तरफ मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पीस पे डाला एंड थोड़ा सा फिर उस पर स्लाइड होते हैं वो एच पीस पे भी चला गया। आप देख सकते हैं ऊपर क्यूब के थोड़ा सिलिकॉन ऑयल गिर गया है, वो हम क्लॉथ से वाइप कर लेंगे, ठीक है। एंड इस क्लॉथ को आपको याद रखना है हमेशा यूज करने से पहले वॉश कर लेना है। तो अब हम क्यूब को अच्छे से स्क्रैम्बल कर लेते हैं या फिर शफल कर लेते हैं जिससे सिलिकॉन ऑयल पूरा हमारे क्यूब में फैल जाए। एंड बिलीव मी इतना स्मूथ हो रहा है कि मुझे लग रहा है ये मेरा मेन बन जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, मीलों के साथ धोखा नहीं करूंगा मैं, लेकिन टू बी फ्रैंक बहुत हद तक बहुत फास्ट हो गया क्यूब। एंड जब आप पूरा अच्छी तरीके से आप स्क्रैम्बल करके शफल कर लेंगे आपको फिर एक बार क्लॉथ से वाइप करना है, ठीक है। एंड मैं जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ क्लॉथ का दूसरे तरफ का पहले वाले तरफ को मैंने फोल्ड कर दिया, दूसरे तरफ से मैं वाइप कर रहा हूँ वरना वही डस्ट फिर इसके अंदर जाएगा। जो एक्स्ट्रा सिलिकॉन ऑयल बाहर निकलता है आप उसको इस कपड़े से पोंछ सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने अच्छी तरीके से क्यूब को साफ कर लिया। तो भाई सेंटर कैप्स मैंने लगा दिए क्यूब को अच्छी तरीके से, मैंने शफल स्क्रैम्बल करके आप देख सकते हैं अंग में इसके सिलिकॉन ऑयल फैल गया है एंड क्यूब अच्छा शाइन कर रहा है। एंड अब टाइम है इसके ऊपर एक सॉल्व टेस्ट करने का, तो चलिए लैपटॉप निकालता हूँ एंड एक इस पर सॉल्व करके देखते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफ़ी हद तक एनहेंस हो गया परफॉर्मेंस एंड अब देखते हैं किस हद तक हमको ये परफॉर्मेंस देने में कामयाब होता है। वही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एंड क्यूब ले लो ड्रिफ्ट में आपको लॉकअप्स की प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी कॉर्नर कटिंग के साइड,
एंड क्योंकि इसका मेन रीजन इसके जो आप अपने कॉर्नर पीसेस देखे होंगे थोड़े लंबे होंगे कंपेयर टू मीलोंग एंड दूसरे क्यूब्स, इसीलिए थोड़ा सा कॉर्नर कटिंग एंड लॉकअप्स का प्रॉब्लम होता है इस क्यूब में। ये ट्रांसफॉर्मेशन उन लोग के लिए जिसके पास पहले से क्यूबलेलो ड्रिफ्ट है, वरना नए लोगों को मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा क्यूबलेलो ड्रिफ्ट खरीदने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर एज ए स्पीड क्यूबर आप इसको अगर लेना चाहते तो बहुत भाई दिक्कत है, तो भूल ही जाओ, मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। बट एज ए बिगिनर है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। पॉप शुगर ले लेना, सिर्फ 95 रुपीज़ में आता है, क्यूबलेलो ड्रिफ्ट से 1000 गुना अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट सब 10 सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प कर देगा थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसके ऊपर भी मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, आई बटन में दे दूंगा लिंक, जाके आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।